पलकों की छांव में एक टू नया धारावाहिक सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। सुमन, आंखों से काजल चुरा के लेके जाएंगे, देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। सुमन, तू यहाँ कैसे? हमारे भाई की शादी है, माँ की भूमिका भी तो निभानी थी ना, हम कैसे नहीं आते? आपकी शादी में शामिल होने से भी कोई नहीं रोक सकता। नाचो, घूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ऐसे कैसे पासा पलट गया? आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? हमको तो कई बार लगता है कि सुमनिया बहुत शातिर खिलाड़ी है। कि कैसी शादी है मेरी? आज मेरा कोई अपना ही नहीं है मेरे साथ, बस एक मैं ही हूँ, आईने में इधर भी और उधर भी। एक सुमन थी, उसे भी भगा दिया। आई मिस यू सुमन। लेकिन ये माँ कहाँ गायब है? सुबह से एक बार भी नहीं आई है मेरे पास। आखिर सब लोग है कहाँ? बिग्बी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, सारा काम अच्छे से होना चाहिए। ओके, अरे नहीं पता मुझे बिग्बी कहाँ है। पर कहाँ है सबके सब? ओके, मतलब तुझे भी नहीं पता कि सबके सब गायब हैं। राइट, अंशुमन भैया सुबह से गायब है, पर उसके बाद माँ, पापा, दादाजी, बड़ी माँ सब एक साथ गायब है। पता नहीं क्या चल रहा है। भाई सौरभ जीजू ने फिर से कुछ? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आरती दीदी आई थी तेरे पास? नहीं, आरती दीदी मुझे तैयार करने नहीं आई। ओके, आखिर हो क्या रहा है? चला जा, आरती दीदी से मिलते हैं, कम से। अच्छा, दूल्हे के जूते की चोरी का जिम्मा तुम्हारा। जूते तो गायब नहीं होंगे, याद रहे कोई गलती ना हो। हम इस लड़की की मौत का मंजर देखना चाहते हैं। लेकिन हम तो है ना। वैसे सब लोग भी हैं, नीचे देखो। लेकिन ये भैया ऐसे? बिग्बी को हुआ क्या है? क्या हुआ है? कुछ नहीं बेटा, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट? दादाजी हैं? अब सब ठीक है, लेकिन इस बात के बारे में कोई चर्चा नहीं करेगा। क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? आज शादी है तुम्हारी, और अब तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड भी आ रही है शादी में। चलो जल्दी से स्माइल करो, नहीं तो शादी की सारी फोटोज में खुलकर पे जैसा मुंह आएगा। अब शादी वाला घर है तो लगना भी तो चाहिए, क्यों नंदन? यस पीपी। चलो नंदिनी, शादी का समय हो गया है, बहुत से विधि व्यवहार बाकी हैं। आरती,
क्या तू? कैसे हुआ ये सब? सुना नहीं तुमने सुरभि माँ ने क्या कहा? इस बारे में अभी कोई चर्चा नहीं होगी। कितनी पंचायती है तुम्हें? सच दच क्यों रही हो? ये शादी तुम्हारी नहीं है, सो सजना धजना उतना ही कि किसी की नजर तुम पे ना पड़े। कोई और तुम्हें देखेगा तो हमको बुरा लगेगा ना बाबू, समझी? क्या हुआ आरती? हाँ कुछ नहीं माँ, देखिए ना ये कैसे हमको डरा रहे हैं। लेकिन इनको पता नहीं है हम किसी से डरते नहीं हैं। आरती तुम्हारी माँ विधवा है तो क्या हुआ? पूरा परिवार है तुम्हारे साथ, तुमको कभी भी किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। जी माँ, मैं क्यों किसी से डरूंगी? जिसका हमारे जैसा पति हो उससे तो भगवान से भी डरने की जरूरत नहीं है। चुप! एकदम चुप! ऐसा है मेहमान जी, हमारे यहाँ ना दामाद को देवता मानते हैं, उसको मारते नहीं है। नहीं तो मन तो कर रहा दो थप्पड़ खींच के मारे आपको। ऐसा कर नहीं सकते ना हम, इसलिए एक बात कह रहे हैं उसको गांठ बांध लीजिए आप। देवता नहीं इंसान बनिए, उसके सुख के लिए उसकी खुशी के लिए दूर रखे अपने साय से, ताकि उसकी खुशियों को ग्रहण ना लग जाए हमारे साय से। अब अगर उसके सुख में कोई आ जाया ना मेहमान जी, हम बता देते हैं कि धरती को जला के राख कर देंगे हम। मुझे मुझे ना